कसरावद नगर में वार्ड क्रमांक 1 और 2 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत खस्ता बनी हुई है। अति प्राचीन गांगलेश्वर मंदिर एवं बिलाला शाह बाबा की दरगाह पर भक्त दर्शन तथा हाजिरी के लिए आते हैं। सड़क की हालत अति खस्ता होने से यहां से राहगीरों को गुजरने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वहीं आए दिन यहाँ से गुजरने वाले राहगीर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कुछ वर्ष पहले ही सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन आज सड़क की दुर्दशा काफी दयनीय है। तो वहीं सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है, जिसको लेकर राहगीर परेशान नजर आते हैं। सर, ये पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक परेशान, गड्ढे ही गड्ढे, बारिश इसमें कोई भी बेचारे बीमार दुखी आते हैं, फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कितनों को भी बोला कोई सुनवाई नहीं करता। आज तक ये हालत है और देख लो आने वाला टाइम में और गड्ढे हो जाएंगे। तो क्या है कि बीमार लोग बहुत आते हैं, बेड़े से बुखार है, कोई को पेट डिलीवरी वाले हैं, तो वो पहले यहाँ गिर जाते हैं। तो अब क्या है इसमें, बताओ आप किसको कहना, जिसको कहते हैं वो निसट जाता है, आओ करवा देंगे, सब झूठे बातें करके चले जाते। आप इसको कहीं भी करके किसी हालत में भी थोड़ा ठीक ठाक तो करवाओ, नहीं अच्छा रोड तो कि ये बस बीमार दुखी अंधे लंगड़े लूले गाड़ियों में से गिर रहे हैं, उठो उनकी अब कब तक से उठाना, हम आए दौड़ते उनको उठाओ, अब हमारे देख लेते तो उठाते हैं, रात हुई भी रात हुई, ये परेशानी है सबसे बड़ी बात। कसरावद नगर के वार्ड नंबर 1, 2, 3 से जुड़ा ये मुख्य मार्ग है, जहाँ पर गांगलेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है, बिलाल शाली बाबा की मज़ार भी है, पूरे नगर को सप्लाई होने वाले वाटर सप्लाई की पानी की टंकियाँ भी यहीं हैं, BSNL टावर है, और भी धार्मिक स्थान होने के साथ साथ आवासीय रहवासी क्षेत्र घना क्षेत्र होने के बावजूद भी इस रोड की दुर्दशा इतनी ज़्यादा है कि लोगों को निकलने में आने जाने में, बीमार लोगों को, साफ सफाई के वाहन को आने में भी दिक्कत हो रही है और लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों की मांग है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देकर इस मार्ग को अतिशीघ्र दुरुस्त करे या नया बनवाए और लोगों को समस्या से निजात दिलाए। कैमरा मैन सिद्दीक खान के साथ जाकिर खान, भाई साहब राइट, कसरावद की।